दोस्तों मैं आपको सबसे पहले लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने अपने एक शॉर्ट चैनल पर एक वीडियो को अपलोड किया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ अभी आपको दिखाई दे रही है, ये भोजपुरिया सॉन्ग है जो कि मैंने यूट्यूब से ही कॉपी करके मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड किया, ठीक है। जो कि दोस्तों ये जो शॉर्ट चैनल ये मेरा ही है और मैंने इस पर जो है सिर्फ भोजपुरिया सॉन्ग में यूज़ करता हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रिक लगा के जो है कम समय के अंदर पर मैंने जो यहाँ पर 40 लाख व्यूज़ लेके आ गया, ठीक है। जो कि दोस्तों भोजपुरिया सॉन्ग है, मेरा खुद का कंटेंट है ही नहीं, जो कि आपको मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ मेरा चैनल है और दोस्तों इसका चैनल का मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो इस पर कितना ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है और इतना ज़्यादा व्यूज़ कैसे आ रहा है सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका एक भी शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहा है तो दोस्तों आज से आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगा ना, आपका 2 या 1 शॉर्ट्स आपका वायरल होकर ही रहेगा, ठीक है। मिलियन ऑफ टच करने वाला है 2 या 3 दिन के अंदर में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने सिर्फ भोजपुरिया सॉन्ग को यूज़ करके मैंने 4 मिलियन यहाँ पर जो है व्यूज़ लेके आया, जो कि दोस्तों सबसे आसान तरीका से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी ये जो है शॉर्ट्स वीडियो पर व्यूज़ आ रहा है, जो कि दोस्तों सारा का सारा शॉर्ट्स फीड में, ठीक है। ये वीडियो मैंने जो है अगर मैं सीधा सीधे अगर बात करूँ तो ये वीडियो है मैंने अपने डायरेक्ट शॉर्ट फीड में लगा के छोड़ दिया कि भाई लो मैंने यहाँ पर ये काम किया, अब यूट्यूब का काम, ठीक है। यूट्यूब का गारंटी लेता हूँ, यूट्यूब मेरा शॉर्ट्स फीड में डालने के बाद इतना ज़्यादा व्यूज़ आया ना। और दोस्तों अभी करंट यहाँ पर सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं 36,741 सब्सक्राइबर है, जो कि दोस्तों मैंने सारा का सारा फ्री में मैंने बढ़वाया, ठीक है। क्योंकि वो जो मेरा शॉर्ट्स वायरल हुआ ना उसी से मैं 30,000 प्लस यहाँ पर सब्सक्राइबर मुझे मिले, जो कि दोस्तों इसी तरह करके मैंने बहुत ऐसे वीडियो को वायरल किया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये भी वीडियो है जो कि मैंने सारा भोजपुरिया यूज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 लाख व्यूज़ है और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.2 मिलियन व्यूज़ है, जो कि दोस्तों सारा मेरा चैनल पर जो दिखेगा ना भोजपुरिया आपको दिखेगा, ठीक है। मेरे चैनल का आप चेक भी कर लीजिएगा, सारा भोजपुरिया आपको यहाँ पर दिखेगा, शॉर्ट्स भोजपुरिया शॉर्ट्स दिखेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आता है कि मैं अपने शॉर्ट्स को कैसे वायरल कर सकता हूँ। दोस्तों मुझे पता है कि आप में से बहुत ऐसे यूट्यूबर हो या फिर जो भी शॉर्ट्स अपलोड करते हो उसमें से अपने वीडियो पर टैग टाइटल और अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हो, अच्छा हैशटैग भी यूज़ करते हो, फिर भी अभी तक आपका शॉर्ट्स वायरल नहीं हुआ है। मुझे पता है दोस्तों ये जो ट्रिक है ये सब जो है काम करता था पहले, लेकिन अभी के टाइम पर कुछ आपको एडवांस तरीके पर जाना पड़ेगा जिससे दोस्तों आपका जो शॉर्ट्स वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा अगर ये ट्रिक आपने कर ले तो गारंटी लेता हूँ आपका शॉर्ट्स वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा और दोस्तों बहुत जल्दी आप मिलियन ऑफ व्यूज लेकर टच कर लोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहां से इस वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आएंगे तो आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यूट्यूब खोलना है, ठीक है। दोस्तों हर एक शॉर्ट्स आपका वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बस उस ट्रिक को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सिंपली क्या करना है आपको जो इस पर एप्लीकेशन ओपन करना है यूट्यूब, इसके बाद दोस्तों आपको ट्रेंडिंग वाला यहाँ पर आ जाना, ठीक है। ट्रेंडिंग पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा हो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो यहाँ पर जो है ना 1, 2, 3 यहाँ पर जो दोस्तों 10 आपको ट्रेंडिंग में दिखेगा, ठीक है। जो कि दोस्तों टॉप ट्रेंडिंग में जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा इसका टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सब जो, ठीक है। अब दोस्तों इस पर व्यूज़ कैसे आ रहा है और दोस्तों ये सब चलती आपके चैनल पर भी जो शॉर्ट्स जो भी अपलोड करोगे उस पर व्यूज़ कैसे आएंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है पता है, आपको जो यहाँ पर जो बहुत सारा आपको ट्रेंडिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि दोस्तों शॉर्ट है, मैं लॉन्ग के बारे में बात नहीं बोल रहा हूँ, सारा का सारा शॉर्ट है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहाँ से आपको 3 वीडियो को टारगेट करना है, ठीक है। तो पहला मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, दूसरा और फिर एक तीसरा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं पहला पर क्लिक करता हूँ तो आप देखता हूँ कि इस पर खासियत क्या है, मैं सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन चेक करता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कितना सारा पर भरा गया है, जो कि दोस्तों ये जो है इसका ही राज है, जो कि दोस्तों इसका जो है यहाँ से इसका शॉर्ट्स वायरल कराने में इसका पहला हाथ है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आपको कोई भी एक टूल ले लेना है जिससे दोस्तों इसका टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको क्या बोला कि 3 वीडियो के ये है ना, एक ये वाला, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, ठीक है। 3 वीडियो का आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला वीडियो का काम कर लेता हूँ, इसके मैं यहाँ से इसका कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन कॉपी करूँगा, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डिस्क्रिप्शन चाहिए। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैंने पहला काम कर लिया, पहला काम करने के बाद यहाँ से क्या करता हूँ, अब दूसरा चैनल जो दूसरा वीडियो को ले लेता हूँ, ठीक है। ये रहा वीडियो, यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। पॉज करने के बाद इसका भी डिस्क्रिप्शन चेक करता हूँ तो इसका डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं है, बट इसमें एक चीज़ है टाइटल, बहुत टाइटल भी बहुत डेंजर है इसका। तो चलिए मैं टाइटल को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, एड को वॉच कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से
तो दोस्तों इसके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है नहीं, तो मैंने इसका टाइटल कॉपी किया। टाइटल कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं जो है इस पर डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं इस पर आने के बाद दोस्तों अब यहाँ से मैंने काम कर दिया। इसके बाद दोस्तों तीसरा वीडियो को ले लूँगा, ठीक है। तो ये रहा तीसरा वीडियो, अब मैं क्या करूँगा, तीसरा वीडियो को ले लेने के बाद इसका भी डिस्क्रिप्शन देखता हूँ। इस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका टाइटल है, ठीक है। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसका सिर्फ आपको टाइटल से काम चलाना पड़ेगा, टाइटल से ही आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। कैसे करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको इतना काम कर लेना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों इसका टाइटल कॉपी करके यहाँ से आपको जो यहाँ से पे कर यहाँ पर मतलब यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से इसका जो सबसे पहले इसका यहाँ पर कट कर देना, ठीक है। यहाँ से इसका वेब जो है इसका है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों जितना आपने कॉपी कर देना सारा आपको कॉपी करना, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद आपको क्या है शॉर्ट्स को खोल लेना, ठीक है। शॉर्ट्स को खोलने के बाद आप यहाँ पर जो शॉर्ट्स को अपलोड करना है, जो भी शॉर्ट्स को अपलोड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर जो है इसे क्लिक करके कोई भी शॉर्ट को ले लेता है। सबसे पहले मेरा ये जो शॉर्ट है मैं डेमो के लिए मैंने ले लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शॉर्ट्स को मैं ले लिया। तो यार यहाँ पर आप देख सकते शॉर्ट्स आ चुका है। अब दोस्तों क्या करें, यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से जो है यहाँ पर सिर्फ हैशटैग यहाँ पर देना है। हैशटैग आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसे में चलिए टाइटल डालता हूँ बेस्ट वीडियो, ठीक है। अब यहाँ से मैं बेस्ट वीडियो लिख के यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। देन यहाँ से मैं एक डंडर डाल देता हूँ, फिर यहाँ पर सिर्फ मैं शॉर्ट्स डालूंगा, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं डालूंगा। इसके बाद यहाँ से फ्लेक्सिबल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट्स वीडियो आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस पर आपको डिस्क्रिप्शन लगाना, ठीक है, जो कि आपने कॉपी किया पेस्ट किया था। अब यहाँ से पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों एक आपको यहाँ पर जो है एट द रेट लगा देना है, कोई भी आपको मिस्टर इंडियन हैकर का, ठीक है, मिस्टर इंडियन हैकर। तो दोस्तों अब यहाँ पर सेव वीडियो का पब्लिक कर दें। पब्लिक करने के बाद दोस्तों 10-15 मिनट के बाद देखना ये शॉर्ट्स वीडियो आपका उसी वीडियो के तीनों वीडियो के नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना व्यूज़ आया ना उसका मिलियन में व्यूज़ आया तो आपका लाख में वीडियो पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ट्रिक को फॉलो करने के बाद हर एक शॉर्ट्स को ईजिली तरीके से वायरल कर सकते, वीडियो कैसे कर